ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ओए गाइस यार, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं हूं संदीप मिश्रा, मेरे चैनल चंडीगढ़ वाला में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों इसके अंदर भाई वीडियो में आपको मुल्लापुर स्टेडियम की ना एक पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में दूंगा, ठीक है। टिकट्स का झंझट जो है अब तो लगभग खत्म हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। आज आपको बताने वाले टिकट के प्राइस के हैं, साथ ही साथ आपको बताएंगे पार्किंग का कि पार्किंग की फैसिलिटी क्या है, कहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो, और नियर बाय जो लोग जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए नियर बाय में होटल्स कहाँ पे हैं, स्टे कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। खाने पीने के लिए कहाँ जा सकते हैं, बाकी आसपास घूमने के लिए क्या है भाई, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, ठीक है, कि भाई बताइए यार हमें कि आसपास स्टे कहाँ हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। और साथ ही साथ कई लोगों ने मुझे बोला कि यार हमें ना गेट्स का बड़ा डाउट है कि गेट्स कहाँ कहाँ से एंट्री हो सकती है, ठीक है, वो भी सब मेंशन करने वाले हैं, वीडियो में बने रही है। सो दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई कि टिकट काउंटर कहाँ पर है। बेसिकली दोस्तों ये है आपका टिकट काउंटर जो कि गेट नंबर 2 के पास है, ठीक है, और यहाँ से भी आप गेट नंबर 2 से भी एंट्री कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो सामने ही थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पर आपको सामने दिखता है गेट नंबर 1, ठीक है। और दोस्तों यहाँ की क्या खास बात है, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है और आपने होम डिलीवरी का ऑप्शन जो है नहीं चूज़ किया ना, तो आप अपनी जो टिकट है वो यहाँ पे आके ले सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जो आपका पेटीएम इनसाइडर के ऊपर आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हुई होगी या बुकिंग आईडी होगी वो आपको यहाँ पे दिखानी होती है, एक मेल आती है आपके पास वो आप यहाँ पे दिखाएंगे, और उसके बाद आपको जो है फिजिकल टिकट्स जो है यहाँ पे दे दी जाएंगी, ठीक है। साथ के साथ भाई यहाँ पे आप अपनी टिकट भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए अभी जो टिकट का प्राइस चल रहा है दोस्तों वो कुछ 3000 के करीब करीब है, 3,350 के बीच में। अभी मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पे सुना है लोगों से वो बता रहे हैं कि 3500 रुपये की जो टिकट इस वक्त हो रखी है, ठीक है। टिकट का प्राइस और भी बढ़ सकता है, बाकी आज या कल तक जो है टिकट्स वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी मुझे, क्योंकि आज भीड़ देख सकते हो, आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। कल परसों की बात करता मैं तो फर्स्ट डे की 17-18 तारीख की तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, बट अब जाके मतलब लगभग सारे जो लोग हैं वो टिकट ले चुके हैं ना, फिर भी आप देखोगे भाई तो भीड़ लगी है, दूर दूर से लोग आए हैं भाई टिकट लेने के लिए। सो दोस्तों ये है भाई यहाँ का गेट नंबर 3, और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप बोलते हैं ना एंट्री कहाँ से होगी भाई, है ना, प्लेयर्स की एंट्री कहाँ से होगी, तो दोस्तों प्लेयर की एंट्री जो होती है वो 12 नंबर गेट से होती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बट अगर आप पूछते हैं कि आपकी एंट्री कहाँ से होगी, तो दोस्तों जो आपकी टिकट रहती है ना उस टिकट के ऊपर मेंशन होगा आपका गेट नंबर, ठीक है, और आपकी लॉबी भी मेंशन होगी कि आप कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है एंट्री लेनी होती है। मान लीजिए अगर आपको मीडिया बॉक्स वाली साइड एंट्री लेनी है तो आपके उस पर मेंशन होगा कि आपको इस लॉबी के अंदर जाना है, ठीक है, तो गेट नंबर भी मेंशन होगा कि अगर आपको 12 नंबर गेट से एंट्री लेनी है, 2 से लेनी है, 1 से लेनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके जो है गेट उसके ऊपर मेंशन होते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा उस वाली साइड, ठीक है, तो उस वाली साइड जो है वहाँ पर भी आपको गेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अभी देखो लाइट्स वगैरह भी भाई दिन में भी जली हुई हैं, ठीक है, लाइट्स वगैरह दिन में भी जल रखी है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ आपको ना कि स्टे वगैरह पार्किंग वगैरह का क्या सीन है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई मैं आपको बताऊं, पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो आपको अंदर ही मिलेगी, ठीक है, स्टेडियम के अंदर खुद की भी बहुत सारी पार्किंग है और स्टेडियम के बाहर भी पार्किंग के लिए फैसिलिटी जो है तैयार की गई है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि खेत वगैरह जो है काटे गए हैं, ठीक है, कनक काटी गई है, उसकी जगह पार्किंग जो है वहाँ पर बनाई गई है। तो देख सकते हो बसें जा रही हैं, इसमें भी प्लेयर्स होंगे भाई शायद में भी। जो आगे है वहाँ पे है 12 नंबर गेट, और 12 नंबर गेट से बेसिकली जो एंट्री होती है वो रहती है, और ये गेट नंबर 5 है मेरे बिल्कुल सामने, ठीक है। और जो मैं आपको दिखा रहा था पार्किंग, वो पार्किंग ये है, देखिए सामने ये स्टेडियम के बाहर की पार्किंग है, इसे अभी अभी तैयार किया गया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर सारी फसल जो है कटवा दी गई है वहाँ आगे तक, और ये जो है पार्किंग तैयार कर दी गई है, उसके लिए वहाँ से रास्ता भी खोला गया है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्पेस देख सकते हो आप, सारा पार्किंग के लिए तैयार किया गया है अभी। और यहीं से जो है जो मेन एंट्रीज होने वाली हैं गेट नंबर 5, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 से होएंगी, ठीक है, तो आपकी टिकट पे भी मेंशन होगा सारा कुछ वैसे, ठीक है, तो आप उस पर देख के ही आइएगा, अपना गेट नंबर देख कर आप जिस जो टिकट पर आपकी लिखा होगा उसी गेट से ही आपकी एंट्री होगी, दूसरी जगह से नहीं हो सकती। कुछ लोग परेशान हो रहे थे भाई बार बार कि ना हमने टिकट बुक की है हमारी रिसीव नहीं हुई है, तो दोस्तों जिन जिन्होंने टिकट के लिए होम डिलीवरी के पैसे दिए हैं उनकी टिकट तो डेफिनेटली उनको जो है आज या कल की डेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। अब ऑनलाइन जो है बुकिंग पे
डिलीवरी का ऑप्शन उन्होंने हटा दिया क्योंकि अब टाइम जो है कम रह गया है। 23 तारीख को जो मैच होने वाला है आपको पता ही है, पंजाब किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल के बीच में, ठीक है। तो उसके चलते हुए मैच नज़दीक है और अब जो है ऑनलाइन जो है डिलीवरी का सिस्टम था जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ आप टिकट बुक कर सकते हैं, बट वो भी सिर्फ मैच के एक दिन पहले तक, क्योंकि उसके बाद अगर आप टिकट बुक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यार आप लेंगे कैसे, है ना। मैच के एक दिन पहले तक आप जो ये काउंटर है टिकट वाला सामने मेरे, यहाँ से आप अपनी टिकट को जो है अपना ले सकते हैं, फिजिकल टिकट जो बेसिकली आपकी रहती है, आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो आप यहाँ पे आएंगे उस काउंटर पे और वहाँ पे अपनी जो ईमेल है या फिर पेटीएम इनसाइडर का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो बुकिंग आईडी रहती है वो दिखाकर आप अपनी यहाँ से फिजिकल टिकट लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भाई कि जो स्टेडियम है, लोग जो एक दिन पहले आए हैं, दो दिन पहले आके चंडीगढ़ में स्टे कर रहे हैं, वो आसपास कहाँ स्टे कर सकते हैं। तो स्टे करने के लिए भाई वैसे तो ये जो लोकल एरिया है इसे टीरा बोला जाता है, बट इसके आसपास एक धनास है चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं स्टे करने के लिए, ठीक है। बाकी और भी कोई अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। बाकी स्टे के लिए वहाँ पे है, अगर भाई खाना पीना है, कोई पीने का शौकीन है तो भाई उसके लिए ठेका भी है सामने, ठीक है, बाकी पेट्रोल पम्प है सामने, क्यों नौशी भाई, तो ये चीज़ें तो भाई पीने के लिए यहाँ पे आपके लिए सही है। बाकी जो भी रहेगा भाई यहीं पे मिलने वाला है आपको, ठीक है। वैसे है कि टिकट बुक की थी ऑनलाइन, अच्छा, तो उस पर ऐसी ईमेल आ गई कि टिकट जो है कि जिस दिन मैच है उस दिन टिकट नहीं मिलेगी, अच्छा। तो फिर हमें जल्दी जल्दी, आज फ्री थे चलो, बट फ्री तो नहीं थे, काम छोड़ के आए हैं, टिकट लेना आना पड़ा। फिर आपने होम डिलीवरी का ऑप्शन क्यों नहीं यूज किया उसका? तो आई नहीं यार, शो नहीं, होम डिलीवरी शो नहीं हुई। आपने टिकट लेट बुक की होगी फिर? नहीं, आज देख लो कितनी तारीख है, अजय 20 तारीख है सर, 23 तारीख नु मैच है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है वैसे? भाई मैं तो सरदार साहब ही आए हैं, पंजाबी बंदे हैं अब तो, अपना इको ही सरदार जिंदाबाद बॉलर हर्षप्रीत। टिकट बुक की और सानू कोई भी बेनीफिट नहीं हुआ, 2000 पेट्रोल फूक के हुशियारपुर तो स्पेशल टिकट वास्ते आए हैं, सो दिक्कत है उस चीज़ की, ठीक है। बाकी मेरी है कि मैच लिए कुछ भी है, पर क्योंकि पंजाब की टीम लिए मैच है, वैसे भी आप इंडियन सा क्रिकेट के बड़े तगड़े फैन हाँ, कुछ भी करने तैयार हो जाएंगे, बट जी हरासमेंट थोड़ी घट जाए ना तो भाजी मजा आएगा उस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और होम डिलीवरी का ऑप्शन प्रॉपर नहीं है, काफ़ी जगह तो डिलीवरी ही अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ का तो असर पड़ता है, पर फिर भी जोश पूरा है, ठीक है। और इस बार जो है पंजाब जीतेगी, सबका यही कहना है, देखते हैं आगे क्या होता है, मैच के दौरान ही पता लगेगा। सो दोस्तों ये है भाई सामने स्टेडियम, ठीक है, हम भी यहाँ से अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी यार अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है ना तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। बाकी टिकट का आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, स्टे का आपको क्लियर हो गया होगा, पार्किंग कहाँ पर है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। बाकी 23 तारीख को मैच है, कौन कौन आने वाला है भाई कमेंट बॉक्स में बता दो, किस किस को टिकट मिल चुकी है और किस किस की टिकट अभी नहीं आई है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो। बाकी दोस्तों यहाँ पे जब आप आओगे ना तो आप एक अलग जोश फील करोगे लोगों के अंदर, क्योंकि क्रिकेट के फैंस ना दुनिया भर में बहुत सारे हैं, पर अपने इंडिया में क्रिकेट का अलग ही जोश है, ठीक है, और अपना स्टेडियम है भाई पंजाब का, तो ज़बरदस्त माहौल होने वाला है यहाँ पे। पंजाब किंग्स को कौन कौन सपोर्ट करता है कमेंट बॉक्स में बता दो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।